हेलो स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी कवर करने के बाद आज से स्टार्ट कर देता हूं। और लाइंस एंड एंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, पीके अग्रवाल मिलेंगे, मैंने एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं लिया, बट मेरी अटेम्प्ट ये है कि आपको क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूं, सो दैट आपको कोई नया क्वेश्चन भी फेस करने को मिले तो यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो इनका क्वेश्चन के अंदर मैंने लेवल वन से स्टार्ट किया, ये 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है। इसके लिए जो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए वो आपको एक बार मेरी फर्स्ट वीडियो में, जो लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, उनकी क्या पहचान है, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, कोइंटीरियर्स कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, और उन्हीं सभी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दे रखा है एबी पैरेलल सीडी और एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तक आपको कंस्ट्रक्शन क्लिक नहीं करती तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट। तो कंस्ट्रक्शन ये करनी है, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एबी और सीडी। अगर आपने पैरेलल लाइन कर दी तो ये और ये पैरेलल है, बीटी ट्रांसवर्सल है, तो यू नो दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आई विल राइट 110 डिग्री प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सामने रीजन मैंने बता दिया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपने ये जज कर लिया ये 70 डिग्री हुआ। सिमिलरली सीडी पैरेलल एक्सवाई, सीपी इज अ ट्रांसवर्सल, देन आई विल राइट एंगल 2 प्लस एंगल 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने फिर वही रीजन आएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू, उधर जाके लेस करोगे तो ये आ गया 60 डिग्री। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद बाय लीनियर पेयर एक्सियम एट ए अगर हम कैलकुलेट करें तो यू नो इट वेरी वेल कि इन सब का सम 180 होना चाहिए। तो दैट इज 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री मेजर, मेथड यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है और DE पैरेलल BC है और क्वेश्चन है एंगल F कैलकुलेट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कंस्ट्रक्शन गिवन है, बड़ा डिफिकल्ट फील होगा आपको। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि DE को ED को आगे प्रोड्यूस कर दें, लेट अस से अप टू F, तो वी विल राइट प्रोड्यूस ED अप टू F। तो अब देखिए, आप ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बिकॉज दिस लाइन वाज पैरेलल टू दिस, तो इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर एक्सटेंडेड पार्ट्स आर पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो आई कैन राइट लेट अस से एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 70 डिग्री। तो रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये आपको मैंने सारा बता रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, उनकी क्या पहचान है और कैसे उनको फाइंड करते हैं। तो एंगल 170 डिग्री आ गया, तो अगर एंगल 1 आ गया 70 डिग्री तो देन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्राइंगल एफ डी, देखो ध्यान से, इसमें इस ट्राइंगल में ये साइड प्रोड्यूस्ड है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, दैट इज 70 डिग्री प्लस एक्स, तो देयरफॉर इसमें से आधा 70 लाके लेस कर दें तो ये आएगा 65 डिग्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करना एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एंड देन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन भी जब तक आपको कंस्ट्रक्शन क्लिक नहीं करती तो आप नहीं कर पाओगे। इसके अंदर है थ्रू पी, लेट अस से पॉइंट पी है, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एबी और सीडी। आपने अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ की तो वी विल राइट एक्स वाई पैरेलल सीडी एंड पीसी इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों एक ही साइड के एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री शुड बी इक्वल 180 डिग्री। रीजन लिखा जाएगा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दैट इज 545 डिग्री। तो एंगल 1 आपने जज कर लिया 45 डिग्री। सिमिलरली वी विल राइट एबी पैरेलल एक्स वाई एंड एपी इज ट्रांसवर्सल। और अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो अगेन ये दोनों को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है, तो आई विल राइट एंगल 2 प्लस एंगल 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू 125 जाके लेस कर दें और ये आ गया 55 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। अगर इन दोनों का सम कर दें, लेट अस से इन दोनों का सम कर दें, वी विल गेट एक्स,
तो देयर फोर एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. बट क्वेश्चन में ये भी पूछा है व्हाट इज रिफ्लेक्स x, देयर फोर किसी का भी अगर रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसे 360 में से लेस कर देते हैं, तो दैट इज 360 माइनस 100 डिग्री is equal to 260 degree. Therefore, second answer is reflex x is equal to 260 degree. So I have attempted कि आपको जल्दी से short में आपको extra question start करवा दूँ. ये इसका part one है. और आप इसकी videos को लगातार watch करेंगे तो part two, part three, higher level question भी cover हो जाएंगे. तो ये सारे question आपको R D शर्मा, R S अग्रवाल में आपको visible होंगे, दिखेंगे ऐसे question आपको. और I think ऐसा question करने के बाद अब आप इसको concept wise आगे कर सकेंगे. और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सरोजा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लो. यहां पर लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन भी सब्सिक्वेंटली कवर हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.